राजधानी राजधानी। 17 सितंबर 2020 आज रियासत महाराष्ट्र समेत तकरीबन पूरे मुल्क की 18 रियासतों में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 111138 के जेर एहतमाम कौमी बेरोज़गार दिन मनाया गया। कौमी बेरोज़गार दिन मनाने के साथ साथ रियासत महाराष्ट्र में पोस्ट कार्ड आंदोलन और टेक्स्ट मैसेज आंदोलन भी किया गया। आज जो है पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 28 अजला में 8268 डीएड बीएड बेरोज़गार तलबा के साथ साथ असातिज़ाए कराम ने भी इस आंदोलन में शिरकत की। जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म है कि रियासत महाराष्ट्र में 2017 से लेकर आज तक टीचर भर्ती रुकी हुई है। टीचर्स भर्ती को ख़ास इजाज़त देते हुए TAIT इम्तहान की तारीख फौरन जाहिर की जाए और मरकजी और रियासती हुकूमत ने जो नौकर भर्ती पर पाबंदी लाई है इस पाबंदी को फौरन से पेशतर हटाए जाए। इस अहम मुतालबात के तहत 1 जुलाई 2020 से अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जेर क़यादत रियासत भर के डीएड बीएड बेरोज़गार तलबा और तालबात घर बैठे धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज इस धरना आंदोलन का 79 दिन था। इसी के साथ साथ कौमी बेरोज़गार दिन के मौके पर आज रियासत महाराष्ट्र के तकरीबन 2233 तलबा ने रियासत के वज़ीर आला मोहतरम उदयजी ठाकरे साहब, रियासत की वज़ीर तालीम मोहतरमा वर्षताई गायकवाड़ मैडम और मुतालिका वज़रा और ऑफिसरान को पोस्ट कार्ड रवाना करते हुए टेस्ट मैसेज रवाना करते हुए ये मुतालबात किए गए हैं कि रियासत महाराष्ट्र में जो टीचर भर्ती रुकी हुई है उसको मखसूस इजाज़त दी जाए और टेट इम्तहान की तारीख को फौरन से पेशतर जाहिर किया जाए। नीज़ जो नौकर भर्ती पर रियासती और मरकजी हुकूमत ने पाबंदी लाई है फौरन से पेशतर पाबंदी को हटाया जाए। इसके लिए आज रियासत महाराष्ट्र समेत पूरे 18 रियासतों में कौमी बेरोज़गार दिन मनाया गया। आज शहर मालेगांव में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के अहम रुकनों साजिद निसार अहमद, इसी के साथ साथ अल्ताफ अहमद, साजिद अब्दुल हमीद, साजिद इंजीनियर अंसारी मोहम्मद यूनुस, शाहिद अख्तर और दीगर बेरोज़गार नौजवानों ने सबसे पहले अल्लामा इकबाल पुल पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। उसी के साथ साथ उसके फौरन बाद अपर जिला अधिकारीालय शहर मालेगांव ज़िला नासिक इस ऑफिस में भी जाकर अपर जिला अधिकारीालय और के ऑफिसरान को मेमोरेंडम महजरनामा पेश किया गया। उसके बाद प्रांत ऑफिस में ये वफद गया और प्रांत ऑफिसर को भी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के मार्फत हमें महजरनामा पेश किया गया, जिसमें यही मुतालबात किए गए हैं कि 2017 से रुकी हुई टीचर भर्ती को फौरन से पेशतर मखसूस इजाज़त दी जाए और टेट इम्तहान की तारीख को फौरन पेशतर जाहिर किया जाए और मरकजी और रियासती हुकूमत ने जो नौकर भर्ती पर पाबंदी लाई है उसे फौरन से पेशतर हटाया जाए। इसी तरीके से गुज़िश्ता दिनों अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बैनर तले रियासत मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज दर्ज कराया गया और एक शानदार मोर्चा निकाला गया और मोर्चा निकाल करके वहाँ पर अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ और दीगर तंजीमों के 198 कारकुनों को जो है गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई रात में 8 बजे 20,000 रुपये की जमानत पर की गई है। आज उस रियासत में भी राजस्थान रियासत में, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से दीगर रियासतों में भी कौमी बेरोज़गार दिन मनाते हुए
हमारे देश के वज़ीर आज़म मोहतरम अली जनाब नरेंद्र जी मोदी साहब और दीगर मुतालिका अफसरान को जो है टेस्ट मैसेज करते हुए मेमोरेंडम के ज़रिए ये अहम मुतालबात किए गए कि नौकर भर्ती पर जो रियासती हुकूमत ने 4 सितंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए नौकर भर्ती पर पाबंदी लेकर आ गई है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, इसको इस फैसले पर नज़र सानी करते हुए फौरन से पेशतर नौकर भर्ती पर से पाबंदी हटाई जाए और इसी के साथ साथ हमारे मुतालबात को फौरन जो है कबूल किया जाए।